Hello everyone, in this video we will do one mark questions of database query using SQL that I have taken from previous year question paper. So let us start with the first question. Predict the output of the following query. आपको इस query का output predict करना है, बताना है. Select mode function. यहाँ पे mode का use किया गया है, right? और two numbers लिए हैं. First number को आप second number से divide करते हो, right? लेकिन second number हमारे यहाँ पे क्या है? Zero है. Okay? अगर आपका dividend कोई भी नंबर है और सेकंड नंबर दैट इज डिवीजर जीरो है तो क्या होता है, मोड क्या रिटर्न करता है? मोड नल वैल्यू रिटर्न करता है. तो यहां पे आपका आंसर होगा सेकंड, दैट इज नल वैल्यू. फाइन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन डज नॉट बिलोंग टू द मैथ फंक्शन कैटेगरी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एसक्यूएल फंक्शन है जो मैथ फंक्शन से बिलोंग नहीं करता. तो पावर हमारा मैथ फंक्शन है, राउंड हमारा मैथ फंक्शन है और मोड हमारा मैथ फंक्शन है. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन मैथ फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता? डैट इज थर्ड ऑप्शन. तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राज, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू डिस्प्ले द एवरेज पे ऑफ वर्कर्स फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स विच हैव मोर देन 5 एम्प्लॉइज. तो राज को क्या करना है, एवरेज पे निकालनी है उन डिपार्टमेंट की जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, 5 से ज़्यादा हैं. ओके, ही इज एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम वाई रनिंग द फॉलोइंग क्वेरी. उसको प्रॉब्लम हो रही है जब वो इस क्वेरी को रन कर रहा है. डैट मीन्स इस क्वेरी में क्या है, मिस्टेक है. आपको वो मिस्टेक रेक्टिफाई करके करेक्ट आंसर बताना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्वेरी टू परफॉर्म द गिवन टास्क. तो आपको करेक्ट क्वेरी बतानी है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर. तो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर का यूज़ नहीं होगा, हैविंग का यूज़ होगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है. ओके, सेकेंड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी. ओके, हैविंग यहाँ पे कंडीशन बाद में आनी थी. ओके, ग्रुप बाय पहले आना था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया. फाइन. देन थर्ड में क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर. फिर से वेयर आया है, वेयर एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका वेयर क्लॉज यूज़ नहीं होता, हैविंग क्लॉज यूज़ होता है. ठीक है. नाउ फोर्थ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा, एवरेज सैलरी आएगी फ्रॉम ईएमपी. ईएमपी क्या है, टेबल का नेम. अब आप ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप ग्रुपिंग करोगे डिपार्टमेंट वाइज, राइट. आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दी, अब आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे. हैविंग ग्रुपिंग हो गई और अब आप कंडीशन लगा रहे हो, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5, वो डिपार्टमेंट जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ओके, वो क्या है, 5 से ग्रेटर हैं, राइट. क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सिचुएशन में, कंडीशन में, कि एम्प्लॉइज 5 से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 5. ओके, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. फाइन. नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. यहाँ पे आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट एलकेस, एलकेस होता है लोअर केस के लिए, राइट. अब आपने एलकेस में क्या पास किया है, मंथ नेम. ओके, एंड मंथ नेम फंक्शन में आपने पास किया डेट. अब मंथ नेम फंक्शन क्या करेगा, मंथ फाइंड आउट कर लेगा, यहाँ से मंथ नेम आ जाएगा, राइट. एलकेस फंक्शन क्या करेगा, उस मंथ को लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो यहाँ पे मंथ क्या है, 3, दैट इज मार्च. तो हमारे पास लोअर लेटर में मार्च है, फोर्थ ऑप्शन. तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू SQL आइडेंटिफाई द इनवैलिड डेटा टाइप. आपको बताना है इनमें से इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है. तो आपका डेट डेटा टाइप वैलिड है, इंटीजर भी वैलिड है, वेरकर भी वैलिड है, ठीक है. तो आपका इनवैलिड डेटा टाइप कौन सा है, मंथ. मंथ इज नॉट अ डेटा टाइप, राइट. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ. नाउ इन SQL द इक्विवेलेंट ऑफ यू केस इज. SQL में यू केस फंक्शन का इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा होता है, यू केस क्या होता है. कोई भी, वट एवर द स्ट्रिंग यू आर पासिंग इन इट, आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें पास कर रहे हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट. और सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, अपर फंक्शन. यू केस फंक्शन एंड अपर फंक्शन दोनों का जो काम है, दोनों का जो वर्क है, वो सेम है. ये क्या करते हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, नाउ यू हैव अ टेबल कॉल्ड सेल्स दैट कंटेन्स सेल्स डेटा फॉर अ रिटेल स्टोर. आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है सेल्स, राइट. उसमें क्या है, सेल्स डेटा है,
रिटेल स्टोर का. ओके, विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन द सेल्स टेबल. तो आपको बताना है कौन से एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके आप ये बता सकते हो कि सेल्स टेबल में कितनी रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं. फाइन, तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू, एवरेज फंक्शन एवरेज फाइंड आउट करता है. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, काउंट फंक्शन. राइट, काउंट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज. राइट, तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट नहीं करेगा, बट नॉन नल रिकॉर्ड्स को ये काउंट करके डिस्प्ले करा देगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरीज इज यूज टू रिट्राइव रोज फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर द ईमेल कॉलम कंटेन्स नल वैल्यूज. तो आपको बताना है कि आप कौन सी क्वेरी का यूज करोगे कस्टमर टेबल से रोज को एक्सेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, जहां पे ईमेल कॉलम क्या है, नल है. सिर्फ वही रोज एक्सेस करनी है, वही रोज आपको रिट्राइव करनी है जहां ईमेल कॉलम में वैल्यू नल है. तो फर्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इक्वल्स टू नल. तो ईमेल इक्वल टू आता नहीं है यहाँ पे, इज नल या इज नॉट नल का यूज होता है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नॉट नल. नॉट नल मतलब वो नल नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें नल वाला चाहिए जहाँ पे ईमेल क्या है, नल है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर इज नल ईमेल, दिस इज रॉन्ग. नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल इज नल. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. फाइन, नाउ विच एसक्यूएल फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस. राइट, कौन से फंक्शन का यूज करोगे आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे आपका देखो यू केस फंक्शन यूज होगा. लेंथ से आपकी लेंथ फाइंड आउट होगी, मिड फंक्शन से आपका मिड आएगा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यू केस फंक्शन का यूज करोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉयज. आपके पास एम्प्लॉयज नेम से टेबल है विद कॉलम्स डिपार्टमेंट एंड सैलरी. उसमें दो कॉलम है डिपार्टमेंट एंड सैलरी. यू वॉन्ट टू फाइंड द हाइएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट. आपको हर डिपार्टमेंट में हाइएस्ट सैलरी फाइंड आउट करनी है एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है. फाइन, विच एसक्यूएल क्लॉसेस शुड यू यूज फॉर दिस क्वेरी. तो आपको कौन से एसक्यूएल क्लॉसेस का यूज करना होगा. फर्स्ट में देखो ग्रुप बाय है, जिससे क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी. लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है. राइट, तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं करेंगे, तो आपका फर्स्ट तो करेक्ट नहीं है. फाइन, नाउ सेकेंड, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय. यस, इट इज करेक्ट. ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय आपका आएगा, एज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ग्रुप बाय से डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी. ओके, एंड ऑर्डर बाय से क्या होगा, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी. राइट, और देखो सी एंड डी में भी हैविंग दिया है. हैविंग हमें नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट यहाँ पे कोई भी कंडीशन का यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी कंडीशन हेयर. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वर्किंग विद अ डेटाबेस दैट स्टोर्स एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन. आप एक डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर है. यू नीड टू रिट्राइव द करेंट डेट एंड टाइम. आपको करेंट डेट एंड टाइम रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है. विच एसक्यूएल फंक्शन वुड यू यूज फॉर दिस पर्पस. तो आप इसके लिए कौन से एसक्यूएल फंक्शन का यूज करोगे. तो करेंट डेट एंड टाइम हम निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं. तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. आपको इस क्वेरी का आउटपुट बताना है. सिलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन का यूज हुआ है. आपको इस फंक्शन का राउंड ऑफ निकालना है. ठीक है, 15.789. ओके, दिस इज द नंबर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है. 2 decimal प्लेसेस तक आपको नंबर को डिस्प्ले कराना है. फाइन, तो हमें 7, 8 यहाँ पे जो 3 decimal प्लेसेस दिए हुए हैं, 7, 8, 9, उसके प्लेस पे 2 decimal प्लेसेस चाहिए. फाइन, तो देखो जहाँ पे जो स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट है वो 9 है. 9 क्या है, 5 से बिग है. ओके, तो ये 9 जो आपका स्मॉलेस्ट प्लेस पे डिजिट होता है, अगर 5 से बिग है या 5 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड हो जाता है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 में प्लस 1 हो जाएगा. फाइन, तो यहाँ पे 8 में आपका प्लस 1 आ जाएगा, तो 7, 9 हो जाएगा ये. ठीक है, 15.79. तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है 15.79, दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ
Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? कौन सी values consider नहीं होंगी जब ये statement execute होगी? Select count column name from inventory. तो यहाँ पे count function का use हुआ है. Count function क्या करता है? हमेशा non null values को display कराता, null values को display नहीं कराता. तो यहाँ पे null values count नहीं होगी. इस query को जब आप execute करोगे, okay, तो एक particular column नेम में अगर नल वैल्यूज हैं तो वो काउंट नहीं होंगी. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कॉलम फी कंटेन द डेटा सेट. आपके पास एक कॉलम है फीस, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है 5000, 8000, 7500, 5000, 8000. व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी. तो आपको बताना है इस क्वेरी के बाद इसका क्या आउटपुट निकलेगा. सिलेक्ट सम, सम होगा डिस्टिंक्ट फीस. अब यहाँ पे देखो, फीस के आगे आपने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करने से क्या होगा? ये फी जो भी रिडंडेंट वैल्यू है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको हटा देगा. फाइन, तो यहाँ पे देखो 5000 टू टाइम्स आया तो 5000 हट जाएगा, 8000 भी टू टाइम्स आया तो 8000 भी हट जाएगा एक बार. तो आपका किसका एडिशन होगा? आपका 7500 प्लस 5000 प्लस 8000 का एडिशन होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ किया गया है, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? 20500. ओके, फर्स्ट ऑप्शन 20500. ओके, नाउ विच एसक्यूएल स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द टेबल ऑर्डर्स. आप कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करोगे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए? आपको बताना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल नंबर, आपको नंबर बताना है. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर से क्या होगा? पूरी टेबल ही आ जाएगी, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं बताएगा. ओके, सेकंड क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा? इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. ये टेबल की सारी रोज को काउंट करके आपको शो कर देगा, चाहे रोज डुप्लीकेट हो, चाहे नल वैल्यूज कंटेन करती हो, लेकिन इट विल काउंट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल. फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an aggregate function? इनमें से कौन सा function aggregate function नहीं है? तो यहाँ पे sum, count and average क्या है? Aggregate function है, लेकिन round क्या है? Round आपका mass function है. तो आपका option one correct है, round is not a aggregate function. Now, which one of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक data set में से largest value निकालनी है, तो आप कौन से function का use करोगे? आप करोगे max function का use. Okay? Now, in SQL, which function is used to display the current date and time? Current date and time display करने के लिए हमारे पास कौन सा function है? Now function है. Now function displays the current date and time. Okay? Now, the average function in MySQL is an example of average function. किसका example है? Average function है aggregate function का example. Okay? Then write the output of the following SQL command. Select round. अब यहाँ पे आपको round function के अंदर एक value pass की गई है, लेकिन number of decimal places यहाँ पे नहीं बताए गए हैं कि क्या होंगे number of decimal places. Okay? जब number of decimal places नहीं बताए जाते हैं, नहीं specify किए जाते हैं, तो क्या होता है? It round off the number to the closest integer. तो वो ये क्या होगा? Number round off हो जाएगा closest integer तक. ठीक है, तो ये इसका सबसे close integer क्या होगा? 50. 49.88 का होगा 50. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी. ओके, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.